कि अगर कन्हैया लाल नहीं जीता तो मैं मंत्री बन जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। देश में एनडीए की सरकार बन गई है, वहीं राजस्थान में बीजेपी महज 14 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान में लगातार राजनीति तेज हो चुकी है। वहीं इस्तीफे वाले बयान पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बुरी तरह से फंसते हुए भी नजर आए हैं। वहीं अपने इस्तीफे वाले बयान को लेकर अब वो रोक लगाने के लिए भी नए बयानों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे देंगे अगर 200 लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार जाते हैं, और हुआ भी वही कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ कन्हैयालाल मीणा 200 लोकसभा सीट से हार गए। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग राजस्थान में करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उनकी सरकार की ओर से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद ही अपने बयानों में फंसते हुए नजर आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मनसा अब साफ हो चुकी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने बयान दिया है कि मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूँ। देखिए खास रिपोर्ट। अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले मांग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नया बयान भी सामने आया है, जिनमें वो कह रहे हैं कि वह राजस्थान के कृषि मंत्री हैं और प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में वह आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने इस्तीफे देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उनसे कई बार इस्तीफे को लेकर मीडिया के साथियों ने सवाल भी किए, लेकिन वह हमेशा से चुप्पी साधते हुए नजर आए। अब वह खुलकर कह रहे हैं कि वह राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। मीणा ने लोकसभा चुनाव में इस्तीफे की बात की थी, अब किरोड़ीलाल मीणा का क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? साढ़े चार साल किसानों को मिलेगा आपका साथ, साढ़े चार साल किसानों के लिए तो बहुत सदा जीवन भर रहा है, और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की मजदूर की गरीबों की सेवा करता रहूंगा। आपके भतीजे कल कह रहे थे कि एक दो दिन में एक अच्छा मैसेज देंगे जनता के बीच में और निर्णय लेंगे। यार ये भी चर्चा है, किरोड़ीलाल मीणा ने साढ़े चार साल संघर्ष किया है तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार में रहकर जनता के हित में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार के रहने, सरकार के अंदर ही रहकर काम किया जाए। कि मैं सरकार से बाहर था तब 26 लाख बच्चे जो बीट के पेपर में बैठे थे उनका पेपर निरस्त करा दिया। मैं सरकार में होता तो भी नहीं करा। हर काम सरकार में रह के नहीं कराया जा सकता। सर, नांदरी में एक वीडियो था जब आपने अंगुली उठा कर, अब आप अपनी अंगुली को अपने होठों पे लगा लेते हो, मुंह पे लगा लेते हो, इसके संस्कृत में कहावत, संस्कृत में कहावत है मौनम सुकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम सुकृतिम लक्षणम। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पार्टी के नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। इस सवाल पर किसी का भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि जब बीजेपी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से इस सवाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि आप सभी लोग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वहीं सीपी जोशी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से इनकार अभी तक भी नहीं किया है। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि, क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि फ्रांस जाए पर वचन नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी क्यों ले रहे आप, क्यों उनके पीछे पड़े? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। वही मेहंदीपुर बालाजी में रविवार को सपरिवार बालाजी दर्शन के लिए पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे और महुआ से विधायक राजेंद्र प्रधान ने भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कहा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। महुआ विधायक ने तो ये तक कहा कि लोकसभा
चुनाव में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कहा था कि अगर इन 7 सीटों में से एक भी भाजपा हार गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे में प्राण जाए पर वचन न जाए, इसकी पालना करने का उन्हें संदेश दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल किरोड़ी लाल जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल पक्का है। उन्होंने, आपको जानकारी देना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी सीट चुनाव हार गया तो मैं निश्चित रूप से प्राण जाए पर वचन नहीं जाए उसकी पालना करूँगा। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, एक दो दिन में किरोड़ी लाल जी उचित निर्णय लेकर और जनता के बीच में संदेश देंगे। नहीं है, देखो चुनाव अलग अलग परिस्थिति होती है, विधानसभा चुनाव में अलग परिस्थिति थी, लोकसभा चुनाव में अलग परिस्थिति थी। मेन कारण जो हमारा हार कर रहा है वो यही कारण है कि विपक्ष ने आम जनता को भ्रमित करने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसको जनता में एक उल्टा मैसेज विपक्ष ने फैलाया कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरी तरह हार की समीक्षा कर रही है और आने वाले पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुत अच्छे बहुमत से पूरे प्रदेश के अंदर अपना परचम लहराएगी। महुआ विधायक ने यह भी कहा कि आप लोग सभी धैर्य रखें और एक दो दिन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उचित निर्णय लेकर जनता के बीच में जरूर एक संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।